वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 10.2 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि शो दैट दी वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर है, ठीक है ना। नाम रख लो चॉइस है, ए वेक्टर मान लो इसको, इसको बी वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। और क्या चेक करना है कि हमें शो करना कोलिनियर। तो इसके लिए कोलिनियर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बस काम चल जाएगा। तो कोलिनियर, कोलिनियर को किस तरीके से देखो, को प्लस लिनियर, तो को का मतलब रहेगा सेम और लीनियर का मतलब लाइन। लेकिन यहां पर जब लाइन की बात आए वेक्टर में, याद रखना दो केस अपने आप बन जाएंगे, सेम लाइन और पैरेलल लाइन, तो इस तरीके से, ठीक है। कोलिनियर का ये मतलब है। अब सेम लाइन या फिर पैरेलल लाइन, अब चेक कर लो कि सिर्फ दो वेक्टर है, हमें चेक करना कि कोलिनियर हमें प्रूव करना है, सही बात है, कि मतलब वो सेम लाइन पे होंगे या फिर पैरेलल लाइन पर। तो इस चीज का मतलब क्या है, वेक्टर है सॉल्यूशन किस तरीके से, सबसे पहले 11th न्यूमेरिकल का वेक्टर है, जैसे लेट किया था ए वेक्टर, सही बात है, 2i-3j+4k, सही बात है। अब यहां से कह दो कि ए पॉइंट है, ए वेक्टर समझने के हिसाब से ये कह दो कि मतलब ये ए वेक्टर है, मतलब ओ से ए तक का, सही है। तो इस तरीके से ओरिजन से कैलकुलेट हुआ होगा ना वेक्टर का मतलब, वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन के, लाइन का छोटा हिस्सा, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, तो दूसरा अपने आप ओरिजन हो जाएगा, सही है। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, किसी वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका, आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, तो 2 फिर -3 फिर 4, सही बात है, ए पॉइंट, सही है। इसके बाद इसी तरीके से बी वेक्टर के हिसाब से कह दो ये बात कि बी वेक्टर कोई भी वैल्यू गिवन है, कुछ इस तरीके से 6j-8k, तो यहां पर बी कह दो, ठीक है ना। तो इसके बाद यहां पर भी वही बात हो जाएगी कि ओरिजन से बी, और ओरिजन का ये मतलब, मतलब ये बी वेक्टर भी तो कहीं से कैलकुलेट हुआ होगा, कहने का ये मतलब है। और किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, कुछ इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, अब ये एक क्या है, कोऑर्डिनेट, सही बात है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए और ये है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का दूसरा नाम होता है डायरेक्शन रेशो, सही है, डायरेक्शन रेशो। तो मतलब यहां पर डायरेक्शन रेशो क्या है, जो मतलब ये पॉइंट है वही है डायरेक्शन रेशो, 2-3, 4, सही है। मतलब पहले के हिसाब से डायरेक्शन रेशो कह दो ओ ए लाइन के, ये बात कह सकते हो ना, डायरेक्शन रेशो किसी लाइन के होते, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो मतलब 2-3 और 4 एज इट इज वैल्यू रखें और कुछ नहीं, सही है। इसके बाद डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ बी लाइन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे, जो ये -4, 6 और -8, सही है। अब इसके बाद एक बात हमें पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन रेशो के अंदर, ठीक है ना, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, सही है। तो बस यहां पर अब चेक कर लो किसी एक के हिसाब से, यहां पर 2 है, यहां पर -4, कैसे हुआ होगा, 2 से -4 -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी जगह, सही है। तो कहने का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई की -2 के साथ, तो -4 हो जाएगा, यहां पर -2 से मल्टीप्लाई करनी है सभी जगह, तो -2 × -3 + 6 और -2 × 4 + 8, सही है, सॉरी यहां पर -8 होगा, ठीक है ना, -2 × 4, सही है। अब ये चीज चेक कर लो, बराबर ना हो तो बताओ, इस चीज का मतलब कि ये बात आ जाएगी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, सही है, ठीक है ना, ए वेक्टर कहने का मतलब ये है, और लैम्डा क्या है, अगर इस तरीके से कह रहे हो तो लैम्डा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब -1/2, जैसे 1/-2 को -1/2 लिख सकते हो, कहने का ये मतलब है, सही है, इस तरीके से, मतलब रेसिप्रोकल। नॉर्मली हम लैम्डा इस तरीके से लिखते हैं, वो चॉइस है, किसी एक साइड लिखते हैं, सही बात है। तो मतलब ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, मल्टीपल हैं, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये दोनों पैरेलल हैं, सही बात है, पैरेलल वेक्टर कोई तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। तो इस चीज का मतलब, अब पैरेलल का मतलब पता होना चाहिए कि कुछ इस तरीके से, कि मतलब कोई भी, अब इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सही है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, निकालना चाहो या फिर चेक करना चाहो उससे कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो भी यहां पर ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज अप्लाई क्यों होती है, कि डायरेक्शन रेशो के अंदर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मतलब ये ऑपरेशन क्यों नहीं अप्लाई करते, इस चीज का जवाब जैसे लास्ट पार्ट में सीखा था, ठीक है ना, या फिर कहो लास्ट न्यूमेरिकल में, वहां से ये बात चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कि प्लस और माइनस ऑपरेशन क्यों नहीं अप्लाई होते, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशो का मतलब
प्रोजेक्शन मतलब परछाई, परछाई या तो सभी जगह इंक्रीज होगी मतलब सभी एक्सिस पर, सभी जगह का मतलब है सभी एक्सिस पर, सही है। तो इसका मतलब क्या, आई कैप का एक्स एक्सिस की बात हो रही है, यहां पर वाई की, यहां पर जेड एक्सिस की, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से ये बात होती है डायरेक्शन रेस वाली, सही है, और पैरेलल का केस बन गया, सही है। और पैरेलल का वही बात है कि दो चीजें कभी नहीं मिलेंगी, मतलब ये बातें दोनों इस तरीके से चलती रहेंगी, पैरेलल ये हो जाएंगी, सही है। अब ये है इसके हिसाब से, अगर ये ओरिजिन के हिसाब से मतलब इस तरीके ज्योमेट्री लोगे फॉर वो, फिर वो मतलब सेम लाइन की बात आ जाएगी, मतलब इस तरीके से, सही है। अब एक बात बताओ, ओरिजिन से हमें पैरेलल शो करना है एक तरीके से। अब एक बात बताओ, ओ से बी, ओरिजिन तो कोई केवल एक ही पॉइंट होगा, सही, इतने इतना तो बेसिक है, ओरिजिन तो एक ही पॉइंट होगा। अब ये और ये अलग थोड़ी ना होंगे, सही है, मतलब एक, मतलब कह दो कि एक जगह शो करने के लिए, सही है। अब ये थोड़ी ना कि हम इस तरीके से शो कर देंगे, इस तरीके से, सही है, मतलब ओ से बी को, तो मतलब वो इस केस में सेम लाइन आ जाएगी, सीधी सी बात है, बेसिक है, पता होना चाहिए इन चीजों का, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और या फिर इस चीज को अगर ये कोलिनियर वाली बात चेक करनी हो, ठीक है ना, इसमें दो केस बन जाएंगे, एक तो ये पैरेलल वाला, साथ के साथ एंटी पैरेलल का भी केस होता है। हम नॉर्मली पैरेलल कहते हैं बार बार, ठीक है ना, एंटी पैरेलल अपने आप, इस चीज का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एंगल जब पैरेलल होगा तो जीरो डिग्री बनता है, सही है, पैरेलल होगा तो जीरो डिग्री बनेगा, सही है। मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन जीरो डिग्री का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। कोलिनियर वर्ल्ड में ही अगर साथ के साथ ये सेम डायरेक्शन ऐड कर दोगे कोलिनियर में ही, उसका नाम पैरेलल वेक्टर होता है, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से कह सकते हो, और एंटी पैरेलल बनाना हो तो अपोजिट डायरेक्शन कर देना, मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, सीधी सी बात, बराबर हो या फिर बराबर ना हो, सीधी सी बात है, इस तरीके से। और ये 180 डिग्री, ठीक है ना, हम नॉर्मली पैरेलल के हिसाब से कहते हैं बात, ठीक है ना। तो मतलब अपने आप दो एंगल हो जाएंगे, सही है। तो यहां पर वो कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का तरीका, दो वेक्टरों के बीच एंगल भी चेक कर सकते हो, यहां पर इनमें से कोई एक मिलेगा, चॉइस है। अब किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना चाहते हो, दो वेक्टरों के बीच का एंगल है, ठीक है ना, मतलब हमें यहां पर यह बात पता होनी चाहिए कि दो वेक्टरों से मतलब नहीं है, उनकी डायरेक्शन रेशो से मतलब है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंटों से, सही है। तो बस अब वेक्टर बनाना चाहते हो तो इसे है, मतलब ए डॉट बी, दो यहां पर वेक्टर थीटा निकालना है, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन वेक्टर को, लाइन को बात हुई है। तो मतलब ये फॉर्मूला कि लेफ्ट हैंड साइड कोस थीटा किसके बराबर, ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। तो यहां से भी ये बात चेक कर सकते हो, जैसे कि इसी न्यूमेरिकल का सेकंड मेथड कह सकते हो, ठीक है ना, चॉइस है, किसी भी न्यूमेरिकल को किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, जैसे कि ए वेक्टर का कुछ रिजल्ट दिया हुआ था हमारे पास, ठीक है ना, तो ए वेक्टर कुछ जो भी वैल्यू उससे मतलब है नहीं, ठीक है ना, इसके बाद कुछ बी वेक्टर का रिजल्ट दिया हुआ -4, फिर प्लस का 6, फिर माइनस का 8, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो चेक कर लो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात अप्लाई करना चाहते हैं हम, कर लो, तो ऊपर ए डॉट बी और नीचे दोनों वेक्टरों की का मैग्नीट्यूड, और ये कौन सा फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट का, ये तरीका याद रखने का, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, सही है। तो मतलब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और इनटू में कोस थीटा, बस इसी की रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं, सही है, ठीक है ना। तो बस ए डॉट बी, दो वेक्टरों डॉट प्रोडक्ट करने का डायरेक्ट तरीका क्या बताया था हमने, जैसे कि सबसे पहले आई कैप वाले अब डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वो चेक भी कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाले कंसेप्ट में, वेक्टर चैप्टर से, ठीक है ना। तो बस आई कैप वालों के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है ना, कि -4, जैसे इसका फॉर्मूला ये भी तो था ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, सही है, मतलब a1 b1 c1 पहली से है, मतलब पहले पॉइंट कह दो वो बात भी सही है, या फिर ये 2b2 c2 दूसरी लाइन के को, दूसरे वेक्टर से को, बात वही भी ठीक है, ठीक है ना। नीचे दो मैग्नीट्यूड आएंगे, तो पहले के a1 b1 c1 है, सभी का होल स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट ले लो, फिर a2 b2 c2 का होल स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट ले लो, वो चॉइस है किस तरीके से कहना चाहते हो बात, या फिर आई कैप वालों के आपस में मल्टीप्लाई, तो -4 × 2 इस तरीके से, -8, फिर जे कैप वालों के आपस में 6 × -3 इस तरीके से, और -8 × 4 तो -32,
सही बात है। और यहां पर तो चलो यहां पर प्लस एक माइनस के तो मान लो यहां पर बीच में कोई साइन ना आती तो प्लस कर देना, सही बात है। नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ या पहले वेक्टर से निकाल लो, ठीक है ना। तो कोफिशियंटो का होल स्क्वेयर 2 का होल स्क्वेयर माइनस 3 का होल स्क्वेयर 4 का होल स्क्वेयर, इस तरीके से सभी को ऐड कर दो। फिर यहां से माइनस 4 का होल स्क्वेयर 6 का होल स्क्वेयर माइनस 8 का होल स्क्वेयर, तो इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन आई, ठीक है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहां पर 26 और यहां पर 32, तो कितना हो जाएगा 58, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और नीचे यहां पर 29 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और यहां 100 और 116 हो जाएगा। 116 के फैक्टर देख लो कौन से बनते हैं, तो मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो 116 को क्या लिख सकते हैं हम, जब 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो मतलब कितना बचेगा 58, फिर 2 से डिवाइड करोगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक जब दो चीजें रिपीट हो स्क्वेयर रूट के अंदर तो एक चीज बाहर आ जाएगी, तो इस तरीके से 2 स्क्वेयर रूट इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कैलकुलेशन है, सही है। और यहां पर जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर पावर 1/2 यहाँ पर 1/2, तो मतलब कहने का मतलब है इसका माइनस 58 और नीचे 2 तो एज इट इज है, तो यहाँ पर मतलब बेस एज इट इज पावर ऐड हो जाएंगे, कहने का ये मतलब 1/2 प्लस 1/2 वन, ठीक है ना, वन होगा, सही बात है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो मतलब 29 की पावर 1 तो 29, नीचे 29 इंटू 2 58, 58 से 58 कैंसिल, तो कितना है माइनस 1, तो इस तरीके से, तो कोस थीटा माइनस 1, सही है। अब चोइस की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, कौन सी, कि कोस के अंदर माइनस साइन खत्म हो जाता है इसी तरीके से उसके रेसिप्रोकल में। अब ये प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट को कि वो कौन सा एंगल है जिस पर कोस की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो कौन सा एंगल होता है, थीटा होता है 180 डिग्री, तो इस तरीके से। और ये मतलब किस तरीके से एंगल निकालने होते हैं ये बातें चेक कर सकते हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के चैप्टर से या फिर प्लेलिस्ट से को वहां से बातें चेक कर सकते हो कि किस मतलब ट्रिक क्या होती है इस चीज के याद रखने के लिए, ठीक है ना। और या फिर ये माइनस साइन खत्म करोगे तो मतलब कोस थीटा लिख दोगे प्लस का 1, तो मतलब कौन सा एंगल है जिस पर मतलब नंबर 1 हो, मतलब वो कौन सा एंगल है जिस पर कोस का रिजल्ट 1 आए, तो मतलब इस केस में 0 डिग्री हो जाएगा। देख लो पहले ही कहा था 0 या फिर 180 आएगा, मतलब पैरेलल वाली बात, तो इस तरीके से भी कोलिनियर वाली बात कह सकते हो, मतलब सेकंड मेथड कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।